तो ये उसको करेक्शन करने का भी काम करता है, ये करेक्ट कर सकते हो आप उससे। लिप्स को अक्सर क्या होता है ना, कई बार हम लिपस्टिक करने के बाद में हाईलाइट करते हैं, तो अगर हमने व्हाइट कलर लिया या कोई कंसीलर से किया तो वो अलग दिखता है, बट लिपस्टिक को भी आप इसके साथ हाईलाइट बहुत प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, थोड़ा भी ये अननेचुरल या आर्टिफिशियल नहीं दिखता। मैम ये आप इतना अच्छा मेकअप दिखा रहे हो तो मेरा अभी जो ये शूटिंग में फोन चल रहा था ना मेरा, तो वो भी गर्म हो गया। अब इतना मैं अच्छा मेकअप दिखा रहे हो। उसके साथ में ये वॉटर लाइन जो होती है ना उसको कर, ऊपर देखो बेटा यहाँ पे मैं अगर काजल करूंगी तो थोड़ा डार्क दिखेगा, ऊपर के आईलाइनर से नीचे का काजल डार्क दिखेगा तो क्या होगा, आर्टिफिशियल लगेगा। ठीक है, तो वहां हमें एक नेचुरल सा लुक देना है। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसकी एक ग्रिप देने के बाद में खोना था खोला ओके मैम ना फोन मारा एकदम लाइट सा स्मज करूंगी क्योंकि मुझे अंडर आई के नीचे एक ग्रे सा इफेक्ट चाहिए, हल्का सा बिल्कुल पेंसिल ब्रश के साथ दीदी, क्योंकि स्मोक जो होता है ना वो अंडर आई पे भी जरूरी है। ठीक है, हमने क्या किया, ये ब्राउन कलर का ऊपर देखो बेटा स्मोक बना दिया। अब मैं नॉर्मल सा ब्लैक काजल यूज करूंगी, आउटर से 50% एरिया तक, इनर तक ये नहीं जाएगा, आउटर से 50% एरिया तक इसका ब्लैक इफेक्ट आएगा। पल्लवी पल्लवी मैडम यू आर बेस्ट आर्टिस्ट, सुपर लुकिंग, थैंक यू। ऊपर देखिए 50% एरिया ओनली, समझ में आया आपको, ऊपर देखो बेटा ये इनर तक नहीं जाएगा वरना क्या होगा, कर्नाटका लुक आ जाएगा। ठीक है, देखिए अक्सर ऐसा होता है ना जो यहाँ पे करने से लोग डरते हैं कि अंडर आई पे काम करने से डर लगता है ना, हमारा आई मेकअप नहीं लगना चाहिए। प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस करोगे तो डर नहीं लगेगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड के साथ, जेल के साथ, क्रीम के साथ काम कर रहे हैं, पाउडर नहीं लिया, किस बात का डर, कहाँ जाएगा, समझ करना है, स्मोक हम बनाएंगे उतना ही बनेगा ना। पाउडर के साथ डर लगता है क्यों, क्योंकि हमने नीचे ग्रिप नहीं दी है, वो कहीं तक भी जा सकता है। जब आप डायरेक्ट सिर्फ पाउडर के साथ काम करोगे तो वो फॉल आउट हो सकता है, इसलिए डर लगता है ना। अब हम ग्रिप देके जब उसके ऊपर पाउडर डिपॉजिट करेंगे तो जहां तक हम चाहेंगे प्रोडक्ट वहीं तक डिपॉजिट होगा। ठीक है, एक ग्रे सा इफेक्ट जो चाहिए हमको, दोनों चीज देखना मेरा ब्रश कैसे चल रहा है और साथ साथ में मैंने कैसे होल्ड किया है।
हमने जो एक्स्ट्रा पाउडर यूज किया था उसको सबसे पहले डस्ट आउट करेंगे। आगे का क्वेश्चन आंसर कौन करेगा यहाँ पे, किसको करना चाहिए? ना भावना जोरी, भावना ने कही क्या मुझे, तो भावना बोल से। कौन भावना? भाविका। भाविका, अच्छा आपका नाम भाविका है। तो भाविका को कुछ मन में सवाल है? नहीं तो भी पूछो, उनकी एक्साइटमेंट बढ़ाओ। चलो भाविका, आपको टर्न दिया गया है, ये ओपन रहेगा यहाँ से, ऐसे ओपन कितनी है वो इन प्रोडक्ट्स को देख के ही मैं समझ गई। हाँ। लेकिन उसके साथ तब आपको भी ज्यादा अच्छा लगा, इतना सारा नॉलेज आप दे रहे हो, इतना सब सोच के नहीं आए थे। चलो अभी मैं पैसा बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा। एक्चुअली आज मतलब ऐसा है कि अपने इधर हम लोग पेमेंट के हिसाब से आपको नहीं बुलाए, बस आपको एक पता चले कि ये जगह पे ये कुछ नई चीज है। दूसरी बात, अपने को पास जो भी ब्रांड है तो ब्रांड के रिलेटेड भले एक्सपेंसिव क्यों है तो उसके जो फायदे जो नुकसान है वो सब कुछ रजनी बैंकों में इजिली समझा सकता हूँ। क्योंकि आज मैं मेकअप करूंगा तो वो मुझे पक्का मालूम है, आप मेरी बात सुन ही नहीं पाओगे। उसका कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आज मेकअप जेंट्स करेगा उसकी वजह से अगर लेडीज अगर मेकअप करती है तो उसको एक्चुअली उसका टोन का पता चलेगा, क्योंकि आज अंडरस्टैंडिंग लेडीज लेडीज की ज्यादा रहती है उसके हिसाब से। वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमें फोकस ओनली करना है कि हम लोग वर्किंग, हम लोग वर्किंग करेंगे, टेक्निक्स को समझेंगे। तो कोई भी प्रोडक्ट हमें ऐसा नहीं बोल रहे कि ये प्रोडक्ट खराब है, हमारे पास भी हमारी वैरायटी में भी जो भी प्रोडक्ट है हम लोग टेक्निक से करेंगे वो पॉसिबल है, नहीं ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल है, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो लेकिन वो प्रोडक्ट क्या कैसी है, कौन सी ब्रांड की है, कौन से इंग्रेडिएंट से, वो इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से अपनी मॉडल है तो उनकी स्किन पे वो सेट होगा या नहीं होगा, सबसे मेन इम्पोर्टेंट वही है जो आज की तारीख में लोग नहीं देखते है। बस मेरी मैडम ने ये यूज किया, मेरी मैडम ने वो यूज किया, मुझे वो ही चाहिए। मैंने आप सबको वही बोला, गलत बात है कि प्रोडक्ट के साथ आपकी नॉलेज उस लेवल की होनी चाहिए कि रजनी मैडम ने क्या बोला मैटर नहीं करता, सेल्समैन ने क्या बोला मैटर नहीं करता, मुझे पता है कि ये इंग्रेडिएंट है, इसकी ये क्वालिटी है और स्किन के ऊपर इसके ये इफेक्ट्स है, ये साइड इफेक्ट्स है। आपकी नॉलेज को उस लेवल पर लेके जाओ, एनी टाइम जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगी। आप आगे बढ़ना चाहोगे तो मैं हमेशा आपके साथ। अच्छा, कितने लोगों ने बैंक कॉलेज के साथ, कितने लोगों ने बैंक प्रो को जानते हो? क्या आई शुड बैंक, ये दो ने मुझे मालूम है, मैं भी जानती हूं क्योंकि हां मेहरबान। अच्छा, जिसने भी समझो कि बैंक प्रो को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो भी कर दो। उसके बाद अभी जैसे आर्टिस्ट का सिनेमा मेकअप है जो यूज कर रही है तो आप उसको भी फॉलो कर दो, उसमें क्या होगा कि आपको आने वाले समय में काफी सारे नए नए अपडेट, नए नए आपके पास आर्टिस्ट, वो सब कुछ का आपको डेटा साथ में मिलते जाएगा। क्योंकि आज प्रोडक्ट वो ही है, लेकिन क्या आप अपने बोलते हैं कि गेहूं का आटा तो सेम ही होता है लेकिन जितने लोग बनेंगे सबकी टेक्निक अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि जितने दिमाग उतने शब्द, जितनी प्रोडक्ट उतने हाथ अलग अलग होंगे तो प्रोडक्ट का नॉलेज आपको अच्छा मिलेगा। मेन चीज वो है, अभी जैसे देखो जैसे ये पैलेट है, पैलेट काजल किया मैम, आईलैशेस ऊपर काजल लगा, नहीं डार्क शेड का आईशैडो, ये भी नहीं, जो दूसरा छोटा गोल सा था डार्क ब्राउन जो मैंने लिया था वो चाहिए मुझे आउटर पे।
ये भी नहीं है, अच्छा जैसे मैम आप भी सब ये ब्रांड के साथ आप पहली बार जुड़ रहे हो, कि जैसे ये आर्टिस्ट और सिनेमा मेकअप के लिए आप क्या बोलना चाहोगे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग? मैं इतनी देर से आर्टिस्ट का ही बोल रही हूं। वो मैं नहीं था। अच्छा आप नहीं थे। मैं था। कैसा लगा आपको पहले आप बता दो मेरा बोलना, मैंने क्या बोला? बढ़िया था। बढ़िया था। मेरा मोबाइल गर्म हो गया, मेरा मोबाइल गर्म हो गया। अच्छा किंजल बहन ने, वो किंजल बहन को बोलूंगा तो किंजल बहन प्लीज आइए, दोबारा आपको बोला हूँ प्लीज आइए बहना। प्रोडक्ट के लिए बोल रहा हाँ। और जो दिल में है वही दिमाग में वही शब्द आने चाहिए, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, जो शब्द आएगा वही बोलना है, बाकी कोई नहीं है। आपको जैसे बैंपरों की सॉरी आर्टिस्ट का सिनेमा मेकअप की ये जो मेकअप पैलेट जो मैम यूज कर रही है, जो स्टूडेंट लोग भी अच्छी तरह से उसको यूज कर सकते हैं, पैलेट का नाम है समझो ये स्मार्टवेयर है सब सूटा, जैसे मुझे नाम भी कम आ रहा है लेकिन आर्टिस्ट का सिनेमा मेकअप का स्मार्टवेयर है, तो आपको यही प्रोडक्ट जो अभी फेस के ऊपर जो यूज कर रहे हैं, जैसे ये आई शेडो हो गया, ये हाइलाइटर भी है, ये काउंटरिंग भी है और इसी के साथ ब्लश भी है और कॉम्पैक्ट भी है, आईब्रो भी है और आई बेस भी है, जैसे मेकअप ये यूज कर रही है तो आप क्या फील कर रहे हो? बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, हमको नया कुछ अच्छा जानने को मिला ये प्रोडक्ट के बारे में, हम अभी तक जानते yes. नहीं थे, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, यहाँ पे आने के बाद में मुझे ये प्रोडक्ट के साथ साथ में मैम का भी नॉलेज बहुत अच्छा मुझे मिला, इतना सब घर से उम्र करके नहीं आए थे कि ये सब जानने को मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा है ये प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है सर। मतलब ये आर्टिस्ट का सिनेमा मेकअप, उसका मतलब ये है कि आर्टिस्ट का सिनेमा मेकअप जो सिनेमा में जो आर्टिस्ट लोग जो यूज करते हैं, जो स्टार को यूज करते हैं वही ब्रांड की ये प्रोडक्ट है, और सबसे मेन चीज ये है कि ये प्रोडक्ट 100% प्योर वेगन है, जो हर किसी को वेगन का मतलब मालूम नहीं, लेकिन आज की तारीख में वेगन क्या है आप जाओगे तो पता चलेगा कि व्हाट मीनिंग ऑफ वेगन, और उसका मतलब कि ये कटली फ्री है उसका मतलब क्या है, वो सब कुछ ये वही प्रोडक्ट से बना हुआ है, जैसे स्किन पे कोई जाके इसमें एलर्जी नहीं होती, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि 100% ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड ब्रांड है, और ये भी ऐसा है कि जापानीज के साथ क्या बोलते हैं जापानीज के साथ कोलैबोरेशन किया है ये ब्रांड ने, उसी तरह की प्रोडक्ट है ये, और स्किन फ्रेंडली सब कलर भी है, और आज की तारीख में जो ट्रेंडिंग में जो चल रहे हैं उसी तरह के ये शेड्स है, आप देख रहे हो किंजल मैम जितनी भी होती है उसके अकॉर्डिंग बहुत सोच समझ के, इतनी बैलेंस पैलेट है ये, एक अकेली पैलेट इनफ है आपकी वैनिटी के लिए, आप देख सकते हो टर्न बेटा टर्न, कॉन्टर भी यहाँ से ही हुआ, अक्सर कॉन्टर पैलेट में कुछ इतने डार्क शेड होते हैं कि आप सब लोग कंफ्यूज हो जाते हो, एक तो कॉन्टर से ऐसी डर लगता है, बाकी उसके बाद भी इतने डार्क शेड देखे तो और भी ज्यादा, ठीक है इसमें आप देख सकते हो मैंने जो कॉन्टोर किया वो ये शेड है, और जो मैंने ब्लश किया है वो ये और ये दोनों मिक्स करके दिया है। जब भी आप फैशन शूट कर रहे हो ये एकदम स्मूथ सटल मेकअप चाहिए, फेयर स्किन आपके पास आई है वहां आपको ये ब्लश यूज करना है, लेकिन मेरा जो टोन है या फिर मेरे आउटफिट के अकॉर्डिंग जहां मुझे जाना है मैंने इसमें दोनों को मिक्स किया है, ठीक है आप देख सकते हो टर्न बेटा कितना स्मूथ टेक्सचर है, उसके साथ साथ में आप इसमें ध्यान से अगर देखने जाओगे ना तो आई शेडो शिमर सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है ऑल इन वन पैलेट, और इससे भी बड़ी बात क्या है जो मैं इतने देर से बोल रही हूँ आप सबको कि पूरी तरह सेफ है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, आई एक्सपर्ट टेस्टेड है, मतलब आई शेडो में तो हमेशा डर लगता है ना कि अगर मान लो कोई लोकल ब्रांड ले लिया इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो हो ही जाता है, उन सब चीजों के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप लोग, कहीं से भी कोई साइड इफेक्ट आपके प्रोडक्ट में नहीं आने वाले हैं। मैं क्या बोलती हूँ कि कॉन्फिडेंटली बात आप आपके क्लाइंट के साथ तभी कर सकते हो जब आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर उतना भरोसा होगा, और भरोसा कब होगा जब आपका खुद का एक्सपीरियंस खुद की नॉलेज उसके साथ में खुद की आपकी प्रैक्टिस उसके साथ जुड़ी हुई होगी, ठीक है
तो मेरा एक्सपीरियंस मेरी नॉलेज इसके साथ में जुड़ी हुई है, मैंने उस लेवल की इसकी रीडिंग की है, मतलब स्टडी किया है, वरना ऐसे लाइव में आके आपके सामने बोलना वो चीज आसान नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी उस चीज को करना जरूर करना, रजनी मैडम बोल रही है इसलिए नहीं मान लेना है, खुद भी चेक करना है। ठीक है, तो इसको जरूर करना आज जाके, आप एक बार आर्टिस्टा की वेबसाइट पे जाना, उसकी ऑफिशियल जो उसका पेज है वहां जाना, जितनी बातें रजनी मैडम ने बोली है कितने परसेंट सच है आपको पता चल जाएगा। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरे ब्लश को थोड़ा सा स्मूथ बना रही हूँ, उसके लिए मैंने फिर से एक ही शेड ये वाला लिया है, पहले मैंने मिक्स करके लिया था, अभी मैं सिंगल शेड ले रही हूँ, क्योंकि मैं लिपस्टिक बहुत ही न्यूड करने वाली हूँ, तो ब्लश को मैं थोड़ा सा आजकल चल रहा है ना नोज से कनेक्ट करके थोड़ा सा ब्लश, तो वो ऐसे ही होता है, यहाँ पे नहीं करना होता। नोज से कनेक्ट भी हो गया और ब्लश भी हो गया। अब हम लिपस्टिक कर दें तो और मजा आएगा फिर देखने में। लिपस्टिक मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लिपस्टिक तो सच में इतनी प्यारी है ना, वो तो आपने देख ही लिया आई रेस पे, आर्टिस्ट और सिनेमा मेकअप मेन चीज ये है कि उसके ऊपर स्पेशली